नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। भारत जैसे देश में जहां लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, और मैं आपको बता दूं, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में 16% ऐसे लोग हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, जिनको सही से खाना नहीं मिल पाता है, और भूखे रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। आज अगर हम जम्मू की बात करें तो मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जम्मू में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आप खा सकते हैं भरपेट खाना। और जी हाँ, ये इनिशिएटिव लिया है अन्न क्षेत्र, जिसकी फाउंडर है निधि अबरोल गुप्ता जी। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर 10 रुपए में क्या क्या मिलता है। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि इस महंगाई के जमाने में जहाँ 10 रुपए में एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट आता होगा, और उससे भी आपका, मुझे नहीं लगता, खाना आप दो वक्त की रोटी भी ठीक से खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेशियस गिवर्स ने अन्न क्षेत्र, एक इनकी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडर है निधि अबरोल। और अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, अंदर के विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में यहाँ पर खाना लोगों को दिया जाता है। और कुछ रूल्स हैं यहाँ के, वो क्या रूल्स हैं वो भी हम मैम से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर रूल है कि जितना आपको खाना है सिर्फ उतना ले, खाना जो है उसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भरपेट नहीं खा पाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं, जैसे खाना छोड़ने पर 500 रुपया जुर्माना है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खाना आप उतना ही खाएं जितनी आपको भूख है, और अगर कोई खाना वेस्ट करता है तो खाना वेस्ट। तो आइए निधि जी से ग्रेशियस गिवर्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स पर। हेलो, नमस्ते जी। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की थाली जहां पर आप चीजें दे रही हैं, थोड़ा सा। तो निधि जी से हम जानेंगे, निधि मैम आपसे हम यही जानना चाहती है, ये इनिशिएटिव आपने लिया कैसे? एक्चुअली मैं 2020 से सोसाइटी को रेगुलर बेसिस पे सर्व कर रही थी, जब कोरोना का पीक टाइम था, तो आई वाज ऑलवेज ऑन रोड्स। तो बस मुझे 2020 से जब मैंने ये सेवा स्टार्ट की, तो बस जैसे जैसे जी, तो जिस तरह से मैम ने बताया, मैम आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि 10 रुपए का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आप चाहें तो फ्री में भी खाना दे सकते हैं, लेकिन 10 रुपए कुछ ना कुछ सोचकर आपने रखा होगा, तो ये 10 रुपए का क्या माजरा है? एक्चुअली जब मैंने ये किचन स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत सारे जो फंड्स थे वो मैंने खुद से अपनी फर्स्ट किचन में यूज किए थे। तो उसके बाद मेरे को दिमाग में यही लगा कि अकेले तो मैं ना बना पाऊंगी, ना मैं सोसाइटी को सर्व कर पाऊंगी। तो मुझे था कि जो हमारे जम्मू में विडो लेडीज हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, उनको अपनी किचन्स में लाया जाए। तो मैंने अपने फिर दिमाग में यही सोचा कि अगर मैं 10 रुपए लूंगी, एक तो खाने की भी रिस्पेक्ट रहेगी, और खाने वाले की भी रिस्पेक्ट, उसको भी रिस्पेक्टफुल लगेगा कि हम कहीं फ्री का खाना नहीं खा रहे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम खाने की वेस्टेज पे 500 रुपीज इसलिए हमने रखा कि ताकि उनको ये लगे कि ये 10 रुपए तो है, लेकिन ये ना हो कि थाली में लेके वो एकदम से बाहर फेंक दे। और आज हम बहुत खुश फील करते हैं कि हमने अपनी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये सिखाया कि रोटी को वेस्ट नहीं करना है, जितना लेना है उतना ही खाना है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको आगे आगे बढ़ाया, ताकि फिर हमारे दिमाग में ये भी थॉट आता था कि हमको उनको सैलरीज भी देनी है, कोई फ्री में तो काम करेगा ही नहीं जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो यही थॉट रखा कि एटलीस्ट 10 रुपीज से हम उनका खर्चा तो निकाल पाएंगे। मुझे पता था कि मेरे साथ बहुत जम्मू वाले लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ेंगे, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने अपनी सेवा के भाव में इतनी प्योरिटी रखी, हर चीज का हर किसी को जवाब दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर उसने मुझे 10 रुपए दिए तो मुझे 20 रुपए नहीं लगाने। मैंने अपने से भी यूज किए फंड, इसमें बहुत कुछ ऐसा किया ताकि लोगों को मैं ये बता सकूं कि नहीं, वाकई जो वो दे रहे हैं वो एक्चुअल चीजें आगे तक पहुंच रही हैं। निधि जी, जैसे मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये निधि जी का सेकेंड आउटलेट है, पहला आउटलेट इनका शास्त्री नगर में है, दूसरा आउटलेट यहाँ पर इस एरिया के बारे में। हाँ, ये सत्यम रिजॉर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, मार्बल मार्केट में, और इसके बाद हमने थर्ड अब अपना स्टार्ट किया है केडी हॉस्पिटल में। तो जैसे बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, फूड क्वालिटी के बारे में जरूर सवाल आ रहा होगा कि 10 रुपए हैं तो शायद खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, थोड़ा सा वो बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसी सोच के साथ बाहर आए थे कि जो हमारे घर में खुद को हम अपने आप को फीड करते हैं वही खाना अपनी
पूरी सोसाइटी को खिलाना। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने जम्मू वालों का जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। रोज़ मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई स्वीट डिश भी बन रही है, कभी खीर बन रही है, कभी केक्स आ रहे हैं, कभी हलवा बन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हलवा भी जो हम बनाते हैं ऐसा नहीं है कि वो हम रिफाइंड में बना रहे हैं या डालडा घी में, वो भी प्रॉपर देसी घी में बन रहा है और ऐसा नहीं है। और मतलब अब जम्मू वालों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि जैसा हम उनको बोलते जाते हैं वो वैसा ही करते हैं। मैं आपसे मेन्यू के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या मेन्यू रोज का अलग होता है या कुछ डेज वाइज आपने फिक्स किया हुआ है? नहीं, हमारा यहाँ पे कोई फिक्स वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि हम फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी किसी की बर्थडे की सेवा होती है, कभी किसी की एनिवर्सरी की सेवा होती है, तो जो इंस्टेंट भी कई बार कोई बोलता है सुबह फोन करके शाम को हलवा बना दो, तो हम बना देते हैं। यहाँ पे जैसे जो हमें सामान आता है हम वैसे वैसे उसको आगे यूज करते जाते हैं। निधि जी, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के इस दौर में जहां एक वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो भी लोग सही हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपका हमने देखा कि बहुत देर बाद आप सोशल मीडिया पे, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। सो कैसे आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में? वो अन क्षेत्र में आ सकते हैं, वो आके इसको देख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहता है 9906076758 पे मुझे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, तो वैसे करके भी जुड़ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये 3 आउटलेट चला रहे हैं, आपके साथ कौन कौन ऐसे लोग हैं, आप नाम लेना चाहेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया चैनल का बहुत थैंकफुल हूँ, उसमें सुभाष भैया और मनीषा मैम है जिन्होंने हमें ये किचन डोनेट किया, जहाँ पे आज आप आए हो वो किचन उन्होंने ही हमें दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारे मंडी के भी 2 वेंडर्स हैं, महाजन ट्रेडर्स और कुणाल कपूर जी हैं अमृतसरी वेजिटेबल से, तो वो भी हमें वीकली बेसिस पे सब्जियां वगैरह डोनेट करते हैं। और उसके बाद फिर हमें केडी हॉस्पिटल में भी जैसे हमने किचन भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, फिर जैसे कि स्टेट टाइम्स के दलूजा सर हैं ये भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं जैसे कि हमने सुना है। तो ऐसे ऐसे करके और भी बहुत लोग हैं, आम पब्लिक है जिनका हम नाम अभी मतलब बताना भी मुश्किल है और शायद लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, बट एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब हम पूरी पब्लिक को आपके सामने खड़ा करेंगे, उनको आगे फिगर में लाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े। और बहुत जल्दी ग्रेशियस गिवर्स का एडिशन 1 एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हम बढ़ चढ़ के मोर देन 50,000 पीपल को अपने साथ जोड़ेंगे, दिखाएंगे। मैं यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि फूड क्वालिटी की अगर बात करें तो मैंने खुद एज अ प्रसाद आप कह लीजिए मैंने टेस्ट किया है, और सच में आप यकीन मानिए खाने की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घर का खाना है, कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं, नॉर्मल जैसे आप अपने घर में खाना खाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। मैम थैंक यू सो मच, मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग और भी इंस्पायर हुए होंगे और जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ, 9906076758 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी भी टाइम 24/7 हम अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कॉल करके हमें कभी भी कुछ भी पूछ। और इसकी टाइमिंग्स क्या रहती है मैम? टाइमिंग्स सुबह मॉर्निंग 9 to 4 तक ये चलता है, जिसमें कोई लंच भी खा रहा है, कोई ब्रेकफास्ट भी खा रहा है, और कोई अगर अपने डिनर पैक करा के लेना चाहता है तो वो भी लेके जा सकता है। बहुत क्यूरी आती थी कि जम्मू में क्या लोग भूखे सोते हैं, मैं उन लोगों से जरूर ये कहना चाहूंगी कि वो एक बार यहां विजिट करें और उन लोगों से मिलें जिनके घर में 2 रोटी बनाना क्या 2 रोटी उनको मतलब नसीब भी नहीं होती। वो जब हमने किचन खोली तो वो हमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स उनसे हमें मिली कि एटलीस्ट उनको घर की बनी हुई चपाती एटलीस्ट मिल रही है। तो बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट है, बहुत लोगों का योगदान है। आई एम थैंकफुल टू जम्मू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अंदर के विजुअल्स दिखाऊं और कोशिश करते हैं किसी एक पर्सन से बातचीत करने की। जाने से पहले बाहर के विजुअल्स भी दिखा दूं कि यहाँ पर स्लीपर्स शूज आपको उतारकर जाना पड़ता है और मैंने भी अपने स्लीपर्स अभी उतार दिए हैं और आपको अंदर लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने की, क्योंकि कहते हैं कि खाना खाते वक्त हम किसी को तंग नहीं कर सकते। आप जम्मू से ही हैं? जी, मैं बिहार से इधर काम करता हूँ। आप काम करते हैं, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर 10 रुपए में खाना मिलता है? हम यहाँ आए काम करने के लिए तो हमको जो खा करके जा रहे थे उसको पता किए तो उसने बोला इधर 10 रुपए में खाना मिलेगा। मतलब आप खुश हैं, घर के खाने जैसा स्वाद है या कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा खाना। खाना अच्छा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीक टाइम है।
हो चुका है और लोग जो हैं आकर भर पेट खाना खाते हैं, लेकिन एक छोटा सा रूल है यहाँ पर कि 10 रुपए के बिना यहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा। वो निधि मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं आपको कि उसका रीजन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो कट किए जा रहे हैं और ये मुझे लगता है कि तैयारी चल रही है दोबारा से सब्जी। तो आप भी अगर अन्य क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैप्शन में दी गई डिटेल्स में नंबर भी दिया गया है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको भी कभी लगा कि हाँ मुझे यहाँ आना चाहिए और खाना अगर आपको चखना है यहाँ का तो वो भी आप जरूर करें, क्योंकि खाने की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घर वाली है, बहुत अच्छा खाना है। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ठीक से दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो उनको आप यहाँ रिकमेंड कीजिए। तो ये थे हमारे साथ अन्य क्षेत्र से निधि गुप्ता अबरोल, जो कि ग्रेशियस गिवर्स की फाउंडर हैं और ये 10 रुपए थाली का कॉन्सेप्ट इन्होंने जम्मू में शुरू किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट टाइम्स।